अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी आलू खस्ता कचौड़ी कैसे बनाते हैं, वो भी सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मैं खस्ता कचौड़ी बनाना आपको सिखाती हूँ। खस्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को उबालेंगे। मैं यहाँ 6 आलू ली हूँ जिसको मैं बॉयल करूँगी। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 8 हरी मिर्ची ली हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन के जावे लिए हैं। इन सबको मैं पेस्ट बना लूँगी। मैं यहाँ एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड किया है। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़े से मंगरेले ऐड करेंगे। मंगरेला अच्छा सा चटक जाए तब हम पीसे हुए मसाले को ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से भून लें। दो मिनट मसालों को भूनते हुए हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। इन सबको अच्छे से भून लें। नेक्स्ट हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें अपना बॉयल किए हुए आलू को ऐड करूँगी। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। अब इन सारे इन्ग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि आलू में जितना भी हमारा मसाला हो अंदर तक चला जाए। आलू को मसालों के साथ भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी जो है बेसन। मैं यहाँ 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने से जो हमारा स्टफिंग है वो अच्छा सॉफ्ट और इसमें थिकनेस आ जाएगी। बेसन को भी आलू के साथ भून लिया है, ये एकदम रेडी है हमारा स्टफिंग। तो हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। खस्ता का डो बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। मैं यहाँ थोड़े से अजवाइन को क्रश करके ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक और अजवाइन को अच्छे से आटों में मिक्स कर लें। उसके बाद मैं यहाँ 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल को ऐड करने के बाद अच्छे से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। देखिए यहाँ आटा जो है हमारा एक इकट्ठा होने लगा है। तब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। डो हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसको थोड़े से ऑयल से ग्रीस करने के बाद कवर करके रख दूँगी। आटे में अपना स्टफिंग को ऐड करूँगी। ऐड करने के लिए हमें चाहिए एक छोटी लोई। देखिए मैंने इस तरह बना लिया है। अब मैं इसमें अपना स्टफिंग ऐड कर रही हूँ। प्रेस करते हुए आपको गोल कर लेना है। थोड़े से आटे से डस्टिंग करने के बाद हम इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसका एक पूरी तैयार कर लेंगे, यानी कि खस्ता कचौड़ी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई हमें सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। एक साइड देखिए, एक साइड कुक हो चुका है। दूसरे साइड को मैं हाई फ्लेम पर कुक कर रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इन सबको डिश आउट कर लेती हूँ। नेक्स्ट भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। मैं थोड़े से आटे लूँगी, उसका लोई बनाऊँगी, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने स्टफिंग को ऐड करूँगी हल्के हाथों से प्रेस करते हुए। और इसका भी एक आप कचौड़ी तैयार कर लें बेलन से प्रेस करते हुए। सेम मैं इसको भी फ्राई कर लेती हूँ मीडियम फ्लेम पर। एक साइड 2 से 3 मिनट के लिए कुक करें। उसके बाद जब एक साइड तैयार हो जाए तो दूसरे साइड को भी आप 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करें, जब तक इसमें एक सुनहरा कलर ना आ जाए। देखिए यहाँ हमारा यमी यमी सा खस्ता कचौड़ी बहुत ही आसान तरीके से बनकर रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मैं एक कचौड़ी को आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से कितना सॉफ्ट, ऊपर से कितना क्रिस्पी बना है, एकदम मस्त और आसान तरीके से।
चलिए तो चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।